हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रेक्शन के एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तो हमारे पास है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाई अ प्लेन मिरर इज +1, वॉट डज दिस मीन। तो हमारे पास जो है मैग्निफिकेशन दिया हुआ है, तो जो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस कर रहा है प्लेन मिरर, वो हमारा कितना है, +1। तो एम इज इक्वल टू +1। हमें इसका मतलब बताना है, मतलब नेचर बताना है इमेज का, क्या हुआ नेचर। तो हमें क्या पता है, फॉर्मूला पता है, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू क्या होता है, फॉर मिरर हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ बी बाई यू, ये होता है। तो अगर एम की वैल्यू 1 है तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल कितना हुआ, 1। तो हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हुआ। तो मतलब क्या हुआ इसका, कि सेम साइज का बनेगा, जो ऑब्जेक्ट होगा उसी साइज का हमारा क्या बनेगा, इमेज बनेगा। सेकंड थिंग, एम की वैल्यू क्या है हमारी, पॉजिटिव है। तो एम की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा इमेज कैसा बनेगा, इरेक्ट बनेगा, इमेज इरेक्ट बनेगा, सेम साइज का बनेगा, इरेक्ट बनेगा। सेकंड थिंग कि एम जो हमारा +1 है एंड इट विल बी इक्वल टू -b/u, तो यहाँ पे v और u को क्या होना पड़ेगा, अपोजिट साइन का होना पड़ेगा, तभी तो पॉजिटिव हाई गई वैल्यू m की, क्योंकि आगे माइनस लगा हुआ है। तो v बाई u की वैल्यू माइनस आएगी, तभी तो माइनस माइनस मिलकर प्लस होगा और m की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। दैट मीन्स v एंड u जो है हमारे वो कैसे हैं, अपोजिट साइन के हैं। तो अगर अपोजिट साइन के हैं, दैट मीन्स अगर u हमारा नेगेटिव है तो v हमारा पॉजिटिव है। तो यानी क्या हुआ, दोनों जो हैं ऑब्जेक्ट अगर एक साइड है तो इमेज किधर बनेगा, बिहाइंड द मिरर बनेगा। तो बिहाइंड द मिरर अगर बन रहा है, दैट मीन्स क्या होगा, हमारा वर्चुअल इमेज होगा। इमेज कैसा होगा, हमारा वर्चुअल होगा। इस तरीके से हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं बाय द गिवन मैग्निफिकेशन फॉर प्लेन मिरर, की सेम साइज का बनेगा, इरेक्ट बनेगा एंड वर्चुअल इमेज बनेगा। ओके ओके, थैंक यू।